माननीय उपसभापति महोदय, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2014 में संशोधन करने के लिए जो प्राइवेट मेंबर बिल आया है, उसमें मैं सबसे पहले, चूंकि आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है, परिनिर्माण दिवस है 64वां, मैं अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर संविधान न होता तो विसंबर निषाद आज राज्यसभा में न होती, क्योंकि पहले मनु के आधार पर संविधान था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के आधार पर संविधान था। पहले किसी भी शूद्र व्यक्ति को, किसी को राजा बनने का, MLA बनने का, MP बनने का कोई अधिकार नहीं था। आज बाबा साहब की वजह से हम लोग आए, वोट डालने का अधिकार मिला। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, जब वोट डालने का अधिकार मिला तो आज राजा MLA MP और पंचायत में और स्थानीय निकाय में हर वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है। हम तो ये कहना चाहते हैं जो इसमें चुनाव खर्चे की लिमिट बढ़ाने के, समाप्त करने की बात आई है, तो अभी हमारे सहयोगी पुनिया जी बोल रहे थे कि इंद्रजीत गुप्ता जी की जो सिफारिश थी, कमेटी थी, उसको स्टेट फंडिंग की बात जो है सरकार को लाना चाहिए, जिससे कि जो लोहिया जी ने सपना देखा था कि समरसता समाज के गरीब गुरब आदमी भी चुनाव लड़ सकें। क्योंकि आज जिस तरह से धन का दुरुपयोग हो रहा है, करोड़ों रुपया खर्च होता है, उसका आकलन सही नहीं होता, इसलिए ये बिल आप लाए हैं, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। क्योंकि देखने में मिलता है आज जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह से हम तो मांग करते हैं कि पूरे देश में एक संदेश गया है कि EVM मशीन में गड़बड़ है। हमने देखा पेट्रोल पंप, लखनऊ में पेट्रोल पंप पकड़े गए, उनमें चिप लगा दिया और पता चला कि उनको तेल कम दे रहे हैं। इस तरह से जहां चिप है वहां हर चीज़ संभव है। इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी पहल की है, और हमारी पार्टी की मांग है कि EVM हटा करके जो है मतपत्र से, बैलेट से चुनाव कराया जाए। और दूसरी, आज इस देश में OBC की संख्या बहुत ज़्यादा है। हम तो कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी होना चाहिए, उनके भी प्रतिनिधित्व होने चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं, आज़ादी के 72 साल बीत गए, उनका एक भी प्रतिनिधि ना तो विधानसभा में पहुंचा है, ना तो लोकसभा में पहुंचा है, पंचायत में भी नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि धन बल बाहुबल के चक्कर में उनको आने का मौका नहीं मिलता है। तो हम तो चाहते हैं जिस तरह से पंचायतों में व्यवस्था है, SC ST OBC को सबको जो है रिजर्वेशन, लोकसभा विधानसभा में यहाँ भी रिजर्वेशन होना चाहिए और राज्यसभा में भी होना चाहिए, जिससे कि यहाँ भी और लोग भी, दूसरे लोगों को भी, जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको भी आने का मौका मिल सके। मानवर, हम लोग चुनाव में देखते हैं जिस तरह से चुनाव प्रचार में फंडिंग होती है, और सबसे बड़ा रोल मीडिया का होता है। हम लोगों ने देखा कि मीडिया वाले कहते हैं कि आपकी न्यूज़ तभी छापेंगे जब पेड न्यूज़ आप पेमेंट करेंगे। मैंने एक से पूछा, भाई कितना आप, मैं भी चुनाव लड़ रहा था, कितना आप लेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम 20 लाख रुपया आपको, आपसे लेंगे विधानसभा की बात। तो मैंने कहा कि यही 20 लाख तो मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे अलावा दूसरी पार्टी का जो है आप प्रचार नहीं करोगे, क्या ये कैसे संभव है? तो हमने कहा, भाई आप जो है ऐसे आप लोग जो है प्रचार करते हो, तो ये इलेक्शन में, चुनाव में मीडिया का भी बहुत दुरुपयोग होता है। जो पैसे वाले लोग हैं, धन्ना सेठ लोग हैं, वो पेड न्यूज बना करके उन्हीं की न्यूज छपती रहती है कि ये फला जीत रहा है, फला जीत रहा है, इनका बड़ा माहौल अच्छा है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है मानवर जो है इनको बंद किया जाना चाहिए। इसके लिए तो
हमने देखा है 2018 में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे गोरखपुर का और फूलपुर का, लेकिन हमने देखा वहाँ बहुत पूरी ताकत लगाई गई, सत्ता का दुरुपयोग, धन का प्रयोग, लेकिन वहाँ की जनता को हम बधाई देंगे, उन्होंने सत्ता और पैसे को तिरस्कार करके जो है वहाँ की जनता ने जो है समाजवादी पार्टी के दोनों लोकसभा में जिताने का काम किया था। तो मैं आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज पूरे देश में दल बदल, जिनका MLA नहीं है तो उनको भी जिसके पास सत्ता है सरकार बनाने के लिए किस तरह से दुरुपयोग होता है, इस पे एक गहन अध्ययन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि हम लोग देखे हैं जो पदाधिकारी चुनाव आयोगों में रहते हैं या चुनाव कराने में रहते हैं वो सत्ताधारी दलों को लाभ पहुंचाते हैं और लाभ के बदले उनको कहीं ना कहीं इनाम के रूप में अधिकारियों के रूप में बैठाया जाता है, आयोगों में बैठाया जाता है या कहीं MPMLA बना करके बैठाया जाता है। तो इस पर भी बैन लगना चाहिए कि जो पद में रहा है उसको कभी चुनाव संबंधी राहत को कभी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं हो, रिटायरमेंट होने के बाद आ जाते हैं उनको नहीं होना चाहिए। इस तरह से मैं आपके इस बिल का समर्थन करते हुए, चुनाव सुधार में तभी सब संभव है जब EVM हटा करके पुराने मत पद के आधार पर चुनाव हो, इन शब्दों के साथ में समर्थन करता हूं, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।